हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर फिल्म स्टार्स तक आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने में कॉरपोरेट वर्ल्ड की जिम्मेदारी को समझते हुए देश के सबसे वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब आगे आए हैं और अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दोस्तों, 82 वर्षीय रतन टाटा ने शनिवार शाम 4:18 पर ट्वीट किया कि कम्युनिटी को मजबूत करने और उसकी हिफाजत करने की कोशिशों में टाटा ट्रस्ट 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वहीं इसके 2.5 घंटे बाद टाटा सन्स ने भी ट्वीट कर 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान कर दिया। रतन टाटा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस का संकट हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की कंपनियां पहले भी देश की जरूरत के वक्त आगे रही है, लेकिन मौजूदा जरूरत सभी दौर की जरूरतों के मुकाबले सबसे बड़ी है। टाटा ट्रस्ट की ये रकम मुख्यतः इन 5 कामों पर खर्च करेगी। नंबर 1, कोरोना का इलाज करने और संक्रमण रोकने में जुटे मेडिकल स्टाफ के निजी सुरक्षा उपकरणों के लिए। नंबर 2, कोरोना पीड़ित मरीजों को रेस्पिरेटरी सिस्टम मुहैया कराने के लिए। नंबर 3, टेस्टिंग किट के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो सके। नंबर 4, संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार करने में। और नंबर 5, हेल्थ वर्कर्स और आम जनता को प्रशिक्षित और जागरूक करने के लिए। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में रतन टाटा द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम वाकई सराहनीय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।